नमस्कार दोस्तों, आर आर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्लिंथ बीम के बारे में कि जो प्लिंथ बीम का लोहा रहता है इसको कैसे बांधते हैं, इसमें कौन कौन सी बार्स को प्रोवाइड करा जाता है, इसमें एक्स्ट्रा बार्स को कितना डाला जाता है, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं हमारे सामने प्लिंथ बीम का लोहा बंधा हुआ है, तो जो इसमें प्लिंथ बीम की राडें प्रोवाइड करी गई है उसके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। तो जो इसमें आप बॉटम में देख रहे हैं, बॉटम में जो हमारी दो बार्स हैं वो हमारी 12 mm की इसमें प्रोवाइड करी गई हैं, और जो टॉप की दो बार्स हैं वो हमारी इसमें 10 mm की प्रोवाइड करी गई हैं। तो इसी तरह से क्या है कि इस बीम में क्या स्पान ज़्यादा लंबे नहीं है, 10 से 12 फिट के स्पान्स हैं, इसलिए जो इसके स्पान्स को देखते हुए इसमें जो हमारा लोहे का है इसको इस प्रकार से डिज़ाइन करा गया है, जिसमें हमारे बॉटम में दो 12 mm की रॉड हैं, टॉप में दो 10 mm की रॉड हैं। और इसमें क्या करा है हमने कि जो आप ये देख रहे हैं L/4 के हिसाब से क्या करा है कि इसमें एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करी गई हैं। तो इसमें आप जो देख रहे हैं जो हमारी टॉप बार है इसको यहाँ से कॉलम से लेके यहाँ तक निकाला गया है, और फिर कॉलम से यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा बार्स को ऊपर से निकाला गया है। इसके बाद जो आप बॉटम में देख रहे हैं, बॉटम में हमारी 12 mm की बार को निकाला गया है, फिर टॉप में वहाँ पर हमारी 10 mm की बार को डाला गया है। तो ये देखिए आप वहाँ पे देख रहे हैं हमारी 3 bars हैं, और यहाँ पे भी हम आप देख रहे हैं हमारी बॉटम में 3 bars हैं, फिर यहाँ पे आप टॉप में देखेंगे हमारी 3 bars हैं। इस प्रकार से जहाँ जहाँ हमारे कॉलम आएंगे वहाँ वहाँ सभी कॉलम में हमारी एक्स्ट्रा बार्स को दिया गया है, और जो आप बॉटम देखेंगे बॉटम में हमारी 12 mm की बार्स को दिया गया है। इसी प्रकार से जितने भी ये कॉलम हैं हमारे 18 कॉलम हैं, तो इसमें सभी जगह टॉप टू बॉटम बार्स को डाला गया है। तो इसमें जो ये हमारी एक्स्ट्रा बार्स रहती हैं इनको क्यों प्रोवाइड करा जाता है, तो इसको इसलिए प्रोवाइड करा जाता है कि जो हमारी प्लिंथ होती है, जो हमारा ये बीम होता है, ये बीम हमारा नीचे की तरफ टेंशन पैदा करता है, नीचे की तरफ बैठता है, तो इसलिए स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सेंटर में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करा जाता है। इसी प्रकार से ऊपर से कॉलम के पास से ये ना झुके इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है कि यहाँ एक एक्स्ट्रा बार हो जाती है, फिर बॉटम में एक एक्स्ट्रा बार हो जाती है, फिर टॉप में एक एक्स्ट्रा बार हो जाती है, फिर बॉटम में एक एक्स्ट्रा बार हो जाती है। इस प्रकार से जो बीम का सेंटर निकलता है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बार होती है, और जहाँ पर कॉलम्स रहते हैं वहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा बार होती है। इस प्रकार से इसमें एक्स्ट्रा बार्स को बांधा गया। और जो आप ये मेरे सामने ये रिंग देख रहे हैं आप सामने, तो जो ये रिंग है ये रिंगों को 7 इंची जहाँ जहाँ पे स्पान थोड़े लंबे हैं वहाँ पे 7 इंची, और जहाँ जहाँ पे स्पान पास पास में है वहाँ पे 8 इंच पे इन रिंगों को बांधा गया है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि जो हमारा प्लिंथ बीम का लोहा रहता है किस प्रकार से बांधा जाता है। तो आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद।